पंजाब दे विच धर्म दे नां दे उत्ते तकरार, ये मसले क्यों पैदा हुंदे ने, कि ये बने बनाए ने, साजिश है इन्हां पिछे जां कुछ होर कारण ने। असी एक खास लड़ी दे तहत तुहाडे नाल जानकारी सांझी करदे हां कि पंजाब दे विच जिहड़ी एक तकरार पैदा हो रही है कि ईसाई धर्म दे विच लोग क्यों जा रहे ने, बाकी भाईचारियां नूं छड्ड के, बाकी धर्मां नूं छड्ड के, खास करके सिख भाईचारे दे लोकां विच इस गल नूं लै के वड्डा रोस है, भारी रोस है कि इस तरह क्यों हो रहा। इस दे लई श्रोमणी संस्थावां ने जिहड़ियां उन्हां दीआं जिम्मेवारियां दे सवाल भी कीते जांदे ने, हालांकि इन्हां मसलियां दे विच धर्म की आज़ादी नूं लै के हवाले भी दिते जांदे ने कि किसी नूं भी संविधानक तौर दे उत्ते किसी भी धर्म वल झुका करन दा, मन्नण दा, प्रचार करन दा, आस्था रखण दा पूरा अधिकार है, तो इस अधिकार नूं खोया नहीं जा सकता। पर अज असीं गल करांगे पास्टर सुखविंदर राजा मिनिस्ट्री दी। सुखविंदर राजा मिनिस्ट्री कदों बनी और इसनों बनाउण वाला कौन है? सुखपाल राजे दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। पादरी पंजाब दे विच पादरियां दा बोलबाला किवें हो गया, इस बारे जदों एक रिपोर्ट छपी इंडिया टूडे दे विच ते उसनों लै के भी हुण एक पास्टर जिहड़ा कि अपने आप नूं पंजाब दे विच सब तो वड्डा चर्च भी बना चुका है और दसदा है कि मेरे फॉलोअर सब तो वध ने, 3 लाख का दावा करता है। और उसने भी उस रिपोर्ट के उत्ते बड़े ही हसमुख सुभा दे नाल एक तंज कसदिया भी अपनी सभा दे विच अपने उस उपदेश दे विच उस गल का जिक्र किया। अंकुर नरूला ने यह भी कहा कि किवें एक रिपोर्ट छपी और जिस दे विच दस्या गया कि 65,000 वड्डे छोटे पादरी ने जिन्हां दे फॉलोअर किसी के वध ने किसी के घट ने, यह पंजाब विच ने। जेकर एक जने दे नाल भी 100 बंदे होण तां इसका मतलब यह है कि 65 लाख लोगों की गिणती पंजाब दे विच है। पर यह पॉसीबल नहीं है, संभव नहीं है, पर उसने तंज कसदिया इस गल का जवाब भी दिता। अज असीं गल करांगे उस लड़ी के तहत जिहड़े पास्टर दी कि वह पास्टर किवें बनिया, वह किहड़े भाईचारे नाल संबंधित सी और गरीब तबके दे नाल संबंधित होण दे करके उसनूं किहड़ी तकलीफ होई कि उसनूं लग्या कि राहत इस पासे मिल सकती है। दरअसल उसका यह मनना है, सुखविंदर राजा मिनिस्ट्री जो चल रही है, जो चर्च चल रही है, हालांकि बंद है और इसका संबंध है जिहड़ा सीधे तौर पर अमृतसर के ददूआणे पिंड दे विच है। जदों 29 अगस्त नूं सब नूं याद होवेगा निहंग जथेबंदियां ने एक हमला किया, अटैक किया, जिस दे विच इह कहा गया कि जिहड़ा ददूआणा पिंड दे विच चर्च चल रही है उस दे विच धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। निहंग जथेबंदियां ने जबरदस्त विरोध किया ते 2 दिन बाद ही वह भी सारयां नूं घटना याद होवेगी कि पिंड ठक्करपुरा जिहड़ा जिला तरन तारण दा उत्थे मूर्तियां नकाबपोशां दे वल्लों तोड़ दित्तियां गईयां। जिहड़ी उह घटना होई सी उस तों 2 दिन पहलां 29 अगस्त नूं इसे ही चर्च ददूआणा जिहड़ी अमृतसर दे विच पैंदी है उसका विरोध हुंदा ते चर्च बंद हो जाती है। तो हुण दा सुखविंदर मिनिस्ट्री का यह मनना है राजे का कि असी दोबारा जरूर चर्च का काम शुरू करांगे और प्रचार अपना नहीं छड्डांगे। उसका यह भी कहना है कि मेरी ते मेरे परिवार की जिंदगी जदों दा ईसाई धर्म अपनाया है बदल गई है और मैं संतुष्ट हाँ। इस नूं लैके कि धर्म परिवर्तन नूं लैके जिहड़ा एक विरोध होया सी निहंग जथेबंदियां दे वल्लों, जदों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी बयान दिता, हुंगारा दिता कि जेकर वाकई इस तरह का वर्तारा वापर रहा है पंजाब के अंदर, जेकर निहंग जथेबंदियां उसका विरोध कर रही ने, इस गल का समर्थन दिता, तो यह मसला होर ज़्यादा देश विदेश तक भी पहुँचा कि पंजाब दे विच हो की रहा है, पंजाब विच चल की रहा है। इस तरीके दे नाल फिर यह चर्चा दे विच आ जाती है, ये चर्च जिहड़ी कि दा सुखविंदर राजा मिनिस्ट्री दे तहत चल रही है। हुण पादरी राजा दा की ऐसी तकलीफ सी कि इसने अज तो तकरीबन 10 साल पहला यानी कि 2012 दे आसपास ईसाई धर्म वल रुख कर लिया, अपना लिया और उसका परिवार भी उस पासे नूं हो गया। उसका मनना है कि मैनू लकवे की बीमारी सी और वह लकवे की बीमारी इधर आके ठीक हुई है, इस पासे रुख करन नाल ठीक हुई है, जिस तो बाद मेरे ते मेरे परिवार की जिंदगी ते दशा जिहड़ी वह बदल जाती है। इस तरह के दावे किए जाते हैं, हालांकि जिहड़ी लड़ीवार तहत असीं तुहाडे नाल जानकारियां सांझियां कर रहे हैं कि इन्हां दी पिछोकड़ की ने। तां राजा ईसाई धर्म विच आउण तों पहलां एक बेकरी का काम करता सी, बेकरी वाला एक पादरी बनिया और इस तरीके दे नाल जिवें रिपोर्टां छपदियां ने जां जमीनी पद्धर ते जाके देखिया जावे माझा दुआबा इलाके दे विच ज़्यादा चर्च ने और इधर ज़्यादा प्रभाव कबूलिया जा रहा, यह प्रभाव कबूलिया आप मुहारे जा रहा लोगों वालों,
या फिर जिवें सिख जथेबंदियां निहंग जथेबंदियां एक शक दे दायरे विच इन्हां नूं खड़ा करदियां ने कि उही गल सच है कि जबरदस्ती हो रही है किसी नाल। हालांकि इस मसले पर जिहड़े संविधानिक अहुदिआं ते बैठे ने चाहे वह घट गिणतियां दे कमीशन दे चेयरमैन होण जां फिर घट गिणतियां कमीशन दे मैंबर होण उहनां दा हमेशा यह दावा रहिंदा है कि इस तरीके दे नाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जेकर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवाउंदा है। पर जेकर आम मुहारे लोग रुख करते हैं किसी पासे तो इस रोक भी नहीं सकते, ये उन्हों का संविधानिक हक है किसी भी धर्म को मनण का। और जितों तक रही गल कि अमृतसर ते तरन तारण ते गुरदासपुर के इलाके दे विच इस पासे नू ज़्यादा रुख जिहड़ा क्यों हो रहा ईसाई धर्म वल, तो जिहड़ी इह मिनिस्ट्री है यह चर्चा है ये किवें चर्चा का विशा बनी जदों निहंग जथेबंदियों नू शक होया कि इत्थे धर्म परिवर्तन जबरदस्त तरीके दे नाल कराया जा रहा है और उस दे नाल विवाद पैदा होया। विवाद इस पद्धर तक वध्या कि फिर चर्च तक गल्लां होईयां, प्रोटेस्ट भी होए, ईसाई धर्म दे भाईचारे दे लोकां ने भी प्रोटेस्ट किए, रोस मुजाहरे किए। इस मसले दे विच सरकार दी चाहे सूबा होवे जां केंद्र जो जिम्मेवारी मौके ते बनदी सी उह उस तरीके नाल देखण नूं गंभीरता दे नाल नहीं मिली। हालांकि पुलिस की दखलअंदाजी तो बिना मसला हल भी नहीं होया हाल की घड़ी, पर इस नूं इह भी नहीं कहा जा सकता कि मसले खत्म हो गए ने क्योंकि इस तरीके दे नाल जिस तरीके नाल गिणतियां दसियां जांदियां ने क्योंकि जिहड़े पेंडू पद्धर दे उत्ते छोटे छोटे पादरी ने छोटे पास्टर ने उन्हां कोल भी कुछ को गिणती दे विच किसे कोल हर ऐतवार दा दिन मिथ्या जांदा क्योंकि ऐतवार दा दिन जिवें सारे जाणदे ने कि कम काज दा उन्हां रजेवां भरिया नहीं हुंदा। तां जिन्ने भी इत्थे चर्च चल रहे ने पंजाब दे विच उन्हां दे वल्लों ऐतवार दे दिन ही ज़्यादातर मिथे गए ने। कईआं दे घर दे विच इक छोटे हिस्से च चर्च चल रहे ने और कईआं ने वड्डे एकड़ां दे विच वड्डे वड्डे थावां दे उत्ते वड्डे गलियारियां च चर्च की उसारी करवा दित्ती है ते कई थावां ते चर्चा की उसारी चल रही है। तो हुण कईआं दे कोल गिणती है जिहड़ी ओह 10 तों 15 भी हुंदी है हर ऐतवार नूं और कईआं दे कोल गिणती है जिहड़ी हज़ारां दे हिसाब नाल भी हुंदी है, 10 तों 12 हज़ार भी कलीशिया ने जिहड़े फॉलोअर ने उस चर्च की हाज़री भरदे ने। हुण इस मसले दे विच जिहड़े चर्च विच जाण वाले लोग ने उन्हां दी आस्था नूं सट ना पुजे तो समें समें दे उत्ते जिहड़े ओह पादरी ने पास्टर ने उन्हां दे वल्लों प्रचार किया जाता है और उन्हां नूं मोटीवेट किया जाता है कि तुसीं अपने रस्ते तो नहीं भटकणा। पर दूजे पासे जिहड़े शक दे घेरे नाल वेखदे ने उन्हां वल्लों हमेशा सवाल चुक्या जाता है कि आखिरकार यह वर्तारा इन्नी तेजी दे नाल पंजाब विच ही क्यों वापर रहा। जिवें असीं अंकड़ियां ते झात पहले ही मरवा चुके हैं, एक बार फिर इस रिपोर्ट विच सांझी कर दिंदे हां इह गल कि 2011 की जिहड़ी जनगणना है उसके मुताबिक जिहड़े ईसाई भाईचारे के लोग सी उन्हां दी गिणती 1.26% सी जिहड़ी कि 348,230 दे करीब बनती है। हालांकि गिणती दे विच वाधा घाटा उदों हुंदा रहा जदों 1947 वेले वंड होई, उदों भी कुछ लहिंदे पंजाब वाले पासे कुछ चढ़दे पंजाब वाले पासे रह गए ते कुछ उस तों बाद 1966 विच पंजाब दी वंड होई तां बाकी जिहड़े नाल लगदे सूबे ने उस पासे भी जिहड़े ईसाई धर्म भाईचारे के जिहड़े लोग ने उस पासे उन्हां दी गिणती हो गई। हुण इह गिणती दे विच किन्ना वाधा हो रहा तेजी दे नाल आम मुहारे हो रहा है जां धक्के नाल कीता जा रहा है इस दे उत्ते चर्चा चलदी है। पर इह तकरार इन्ना ज़्यादा ना वधे कि भाईचारे दे विच कड़त्तन पैदा होवे और इस गल नूं लै के चर्चा हमेशा चलदी है पर सिट्टे किसे भी नहीं पुजदी। इह जिहड़ा पास्टर है राजा एक बेकरी का काम करन वाला यह भी बाकी पादरियां दे वांग जिवें बाकियां दी कहानी दसी है इसका भी कहना सी कि मैं मुसीबत विच घिरिया होया सी, लकवे दी बीमारी सी जदों ईसाई धर्म अपनाया तो हौली हौली मैनूं लग्गिया कि लकवा ठीक हो रहा बीमारी तो राहत मिली तो उसने अपने सारे परिवार नूं भी इस पासे लै आंदा ते बाद विच खुद पादरी बन गया पास्टर बन गया। तो इसे तहत एक एक करके असीं सारे पास्टरां दा पिछोकड़ ते सारी कहानी दस रहे हां कि किवें उह इस पासे वल रुख करदे ने और उस तों बाद उहनां दा कम किस तरीके नाल हुंदा है। कई पादरियां दी गिणती ऐसी है पंजाब दे विच जिन्हां ने अपने पेशे ने जिहड़े अपने किते ने उहनां नूं छड्ड दित्ता है और सारे दा सारा समां जिहड़ा उह चर्च दे विच बिताया जांदा है जां फिर चर्च नाल संबंधित जिहड़े रीति रिवाज ने उस पासे ध्यान दित्ता जांदा है। हुण सवाल इह पैदा हुंदा है कि चर्च चलाउणा सिर्फ उहनां दी धार्मिक आस्था दे मुताबक है जां फिर इस दे पिछे कोई ना कोई कारोबार वी छिपिआ। सारे पादरी या सारे पास्टर नूं इस घेरे विच नहीं रख्या जा सकता पर जिस तरीके दे नाल वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल हुंदियां ने जिस तरीके दे नाल उहनां दा ढंग तरीका हुंदा है बीमारियां तो राहत दिवाउण दा उस तों किते ना किते जरूर शक पैदा हुंदा है कि किते ना किते इस पिछे कोई ना कोई कारोबार भी चल रहा है।
हुण किन्नी गल किन्ने पादरी ने पंजाब दे विच किन्ने पास्टर ने जिहड़े कारोबार दे तहत इस नूं अपनी दुकान समझी बैठे ने ते किन्ने ओ पास्टर ते किन्ने पादरी ने जिहड़े धर्म दे प्रचार नूं मुख रखदे ने बाइबल दे उपदेशां नूं मुख रखदे ने बाकी उहनां दे लई कुछ वी मायने नहीं रखदा। ते अज असीं तुहाडे नाल जिहड़ी कहानी सांझी कीती है ओह सी पास्टर जिहड़ा सुखपाल राजे दे नाम नाल वी जाणिया जांदा है ते दास सुखविंदर राजा मिनिस्ट्री दी कि एक बेकरी वाला एक बीमारी तो पीड़ित हुंदा है लकवे तो और उस तो बाद आज तो 10 साल पहला 2012 के करीब उसने ईसाई धर्म वाल रुख किया और उसका मनना है कि मैनू जिहड़ी राहत है जां मैं जिहड़े परिवार का सुख माण रहा मेरे परिवार दे विच और मेरे च जिहड़ी तब्दीली आई है वह इसे दे करके आई है। तो उसने प्रचार करना शुरू कर दिता पर 29 अगस्त वाली उस घटना तो बाद हाले तक इस पास्टर की इस पादरी की चर्च बंद है और इसका कहना है मनना है इंडिया टूडे की रिपोर्ट मुताबक कि ये जल्द ही चर्च विच काम करना शुरू करेगा और अपने उपदेश ते प्रचार जारी रखेगा।